आज हमारा पहला दिन इन कनाडा, मतलब पहला दिन नहीं है, मेरा दूसरा दिन है। और भाई हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन, वो स्किप हो गया वो पार्ट, वो वीडियो नहीं आई। आज मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे हमारा अकोमोडेशन है, और वहाँ पे हमारे भाई लोग हैं। साकिब भाई जो सबसे बुजुर्ग आने इंसान, 14-15 दिन से यहाँ पे, 16 दिन। कितने दिन हो गए आपको? 14 दिन से भाई है। फिर नेक्स्ट आते अपने हारिस भाई भी अभी दो कल ही आए, और शहबाज भाई, इनको 2 दिन हो गया है। तो अपने भाई बॉम्बे के दो बंदे, और भाई एकदम ईस्ट से, बिहार से। तो भाई मजेदार। और आज क्या हो रहा है हमारे किचन में? अंडा बन रहा है भाई, एकदम शिद्दत से, फुल ऑन अंडा, नाइस। बैचलर अंडा कैसा होता है देख लो भाई आप लोग, उसमें सलामी वलामी सब कुछ मिक्स है। दोस्तों बैचलर लाइफ का पहला झटका, और दूध गिर गया है पूरा फर्श पे, क्या करेंगे भाई। यार मैं आया हाथ फ्रिज पे, और दूसरा स्टेप नीचे, पूरा काम खराब हो गया, मेहनत करनी पड़ेगी उसे साफ करने की। इस बार पता कर रहे भाई पंखे को फास्ट कैसे करना है, 2 नाड़े लटक रहे हैं उसके। चलो ये तो लाइट गए ना। और अपने साकिब भाई सफाई। दोस्तों हमारी यहाँ पे कॉफी बन रही है, होपफुली कि ये गिरे ना इसके ऊपर, काम डबल बढ़ जाएगा। सही बात है, जैसा मामला रेडी है, बस डालना है उसमें। शहबाज भाई मैं अंडा चख के बताओ भाई लोग। चलो भाई आ रहे तब तक कसम बम फूटा ऐसा हो गया ये। बम बना नहीं होगा बम, तो ज्यादा बात किया तो कॉफी रख देंगे जेब में उसके। तो दोस्तों अब हम नाश्ता पानी करने के बाद तैयार होके निकल रहे हैं अपना सीन लेने, सीन। और फिर क्या लेना है भाई अपने, वो जीआईसी। ये दो काम कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। वैसे जैकेट पहन के पैसे वाले बन जाएंगे, पैसा हो गया। हाँ पैसा ही पैसा होगा, अमीर होगी। हाँ भाई भाई, लेकिन ये जैकेट घर में पहन के बहुत गर्म हो रहा है, बाहर जाके देखते हैं कि काम कर रही है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने शूज लिया था वुडलैंड का, निकलने से बस 15-20 मिनट पहले लिया हूँ, एकदम जल्दी में। तो सिलेक्शन का भी ऑप्शन नहीं मिला, बाकी ये तो परफेक्ट काम कर रहा है, कल मैं पहना पूरा जबरदस्त था, बहुत अच्छा था। बहुत ठंडा है यहाँ पे यार, फील्स लाइक कितना है भाई, -6 है। बोली बोली कि भाई कनाडा के हिसाब से कम है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा है। देखो भाई लोग फुल एकदम गियर्ड अप है, और सबसे आगे हमारे अमीर साहब चल रहे, वही हमारे करता धरता। चलो सही है, सबका अलग अलग एक वो है भाई, महत्व है। वो बंदा मतलब पहले से एक्सप्लोर किए, उनके फ्रेंड्स हैं बड़े बड़े यहाँ पे, बाकी ये बंदा मतलब कुछ जुगाड़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो काम का है। ये बंदा मतलब किचन में फटाफट जाओ, काट पीटिए, मामला रेडी हो जाएगा। और मैं अपने आप को यूजलेस फील कर रहा हूँ बस। काम खराब कर रहा हूँ, दूध गिरा रहा हूँ। बाकी हमारे घर के पास यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, नो फ्रिल्स है, सबवे है, चॉपर्स रेडमार्ट है, बहुत कुछ है। और बाकी फ़ोन अभी अंदर रखता हूँ, बहुत हाथ में ठंडी लग रही है। सीन की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और CIBC में भी जो टाइम हमको दिया हुआ है उसी पे आना है। तो तब तक हम लोग डॉलरामा घूम रहे हैं, आगे कनाडा के डीमार्ट है कनाडा का, सही बात है। क्या बात भाई, चम्मच चम्मच देख रहे हैं, कुछ मैगी वैगी खाने का इंतजाम, जब केक वेक वाला आइटम है। ये सिलिकॉन वाला भाई है, जो अंडा आप लोग निकाल रहे थे ना चाकू से, अंडा कैसा होता है देख लो भाई आप लोग, वो इससे ये हो जाएगा। तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीजें ले रहे हैं, $5 यहाँ पे डॉलरामा में, क्या मैक्सिमम 5 है, पहले 4 था, अभी 5 हो गया ना, 5 था पहले। तो ये गार्बेज बैग ले लिए हम लोग, और यहाँ पे आने का देख खर्चा, और ये बढ़ गया टॉयलेट पेपर वाला, तो देखते हैं। बाकी आए वाले लोग देख रहे हैं कुछ दस्तरखान। तो दोस्तों साकिब भाई को डस्टबिन $4 की देख के टेंशन हो गया है। तो सही है दोस्तों, बैग का खर्चा बचाने का तरीका, हम लोग सब अपने बैग में भर रहे हैं सामान। अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था, तो हम लोग सोचे बाजू में ही मस्जिद है हमारे घर के पास ही, तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर वापस से डॉलरामा जाएंगे। हम डॉलरामा से बाहर आ गए, वापस से डॉलरामा जाएंगे, और अपना जो भी है सामान वामान शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। तो सही है, और होपफुली यहाँ के वॉशरूम में हमको जेट मिल जाए भाई, बहुत मसला है जेट वेट का यार, कसम से। वापिस से अपना पचका हो गया है,
मस्जिद भी बंद थी, मस्जिद में छुट्टी चल रही है। पर मेरे पास बस का पास नहीं है। आपके पास है बस का ना? हाँ हाँ आपके पास भी है आपका बस, मेरे पास नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, बस का कार्ड लेते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। हम लोग यहाँ पे नया कार्ड बना रहे हैं किचनर में, लोड वैल्यू कैश 15 है ना, इधर दोस्तों। कल बहुत ज्यादा भीड़ थी सिम नंबर के लिए, तो मैं और शहबाज भाई अभी जा रहे हैं हम लोग वापस अपने सिम नंबर लेने के लिए। और ये है सेकेंड डे, और अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 7:30 और 3-4 मिनट में हमारी बस है। तो बाकी देखते हैं बाकी दो आए वाले लोग क्या कर रहे हैं। बाबा तो ब्रश के लिए तैयार हो रहे हैं। कहाँ भाई? हारिस भाई कहाँ गए? हारिस भाई हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं बस का। और सबसे मस्त बात, ये हमारा घर है और वो जो पोल दिख रहा है वो बस स्टॉप है, तो मतलब एकदम मज़ेदार सीन है। और यहाँ पे पूरी मार्केट और सब कुछ है, और बाकी तो रेसिडेंशियल एरिया, तो मज़ेदार है ना भाई। भाई ये बर्फ़ गिरती कब है यार? कसम से मैं देखा ही नहीं अभी तक एक भी बार बर्फ़ गिरते हुए। अभी 3 दिन से बर्फ़ पूरी नहीं है। तो पुरानी है भाई, आज होगा अपना काम इंशाल्लाह, होना तो चाहिए इंशाल्लाह ताला। आज तो सुबह उठ गया, मेहनत कर उठना भी एक काम है। यार लाइन दिख रही है यार उधर, बहुत लंबी लाइन है, मैं कल से कम एटलीस्ट, लेकिन कल ऐसे पूरा इस तरफ भी थी अभी, लेकिन बहुत सुबह है ना इसलिए शायद कम लाइन होगी, लेकिन देखते आगे जाके। भाई लेकिन बहुत लंबी है यार आज भी, शेज भाई सुबह उठ के भी मतलब नहीं हो रहा। भाई कैसा लग रहा है आपको खड़े होकर इधर इतनी देर से? बहुत ठंड लग रही है भाई, ठंड लग गई है ना। तो आज तो हाथ में पेपर भी पकड़ने दे दिए, मैं तो ग्लव्स भी नहीं। मज़ेदार सब जम गए यार, कैसा लग रहा है भाई आपको? ठंडा लग रहा है। सो फाइनली हमारा काम हो गया है। कितना टाइम लगा हुआ है आपको? भाई 2 घंटा लग गया आराम से। 2 घंटा हम लोग को लग गया यार सीरियसली, और हाथ वाथ सब एकदम ठंडा हो गया है, ग्लव्स व्लव्स भी नहीं पहना हो इसलिए। लेट्स सी। और दोस्तों ये ब्लैक आइस देखो एकदम कैमोफ्लाज है, लेकिन क्या फिसल रही है। ऐसी आइसों से बच के रहना, मेरे दांत हाथ मुँह पैर सब टूट जाएगा, और फिर उसके बाद जेब टूट जाएगा। हम लोग आ चुके हैं घर पे और लेके जा रहे हैं पानी पीने का, क्योंकि हमारे एरिया में पता नहीं कि पानी अलग आ रहा है। मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे था टोरंटो में, तो वहाँ का पानी तो अच्छा था, मस्त था, एकदम ज़बरदस्त, मगर यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से हम लोग को ये पानी लेके पीना पड़ रहा है, बाकी मसला नहीं है, सस्ता ही है। तो अब आ चुके हैं अपने घर पे और अब तैयारी हो रही है लंच की। तो हारिस भाई फुल एकदम अब अंग्रेजी खाना खिला रहे हैं। ये ओवन है, ओवन के अंदर डाल रहे हैं फ्राइज, और फिर ये सॉसेजेस है वो है, फिर हॉट डॉग बनाएंगे इसमें दाल वाल के मस्त एकदम। ऊपर से वो देगा भाई ने कुछ लेके आया मैगी मसाला फ्राइज के ऊपर डालने के लिए, सॉल्टेड फुलवा पाव पाव सिकाई हो रही है। हम लोग आए यहाँ पे, कोई लेबनीज है हलाल है, हमने ऑनलाइन चेक किया zabia.com पे, तो वहाँ से जो हमारे चाचू हैं उन्होंने बताया था मुझको ये वेबसाइट। यहाँ पे हमको बारबेक्यू भी मिला है, बस फर्क कितना है वहाँ पे 2.5 दिरहम का था, यहाँ पे $2.5 का है। नाइस। और भाई के देखो ना प्राइस देख के दांत बाहर आ गए। चलो कैसा है भाई आपका स्ट्रॉबेरी, ये भी पी के दोस्तों। आज आ गया है हमारा खाना मस्त मज़ेदार, और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, है कि नहीं भाई? करो 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 करो, क्योंकि आगे बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है। ओके।